हेलो एवरीवन, आज मैं हूँ नवसारी में और मैं हूँ, आपको पीछे दिखा देती हूँ। आई एम श्योर आप गेस नहीं कर पाओगे, बट लेट मी टेल यू, आई एम एट नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल डांडी, जहाँ पे गांधी जी ने अहमदाबाद से नवसारी, आपने नाम सुना ही होगा, दांडी यात्रा जो यहाँ पे ख़त्म की थी। तो मैं जा रही हूँ, ये मेमोरियल है वो विज़िट करने के लिए यहाँ पे है। इन 1929 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2400% टैक्स डिक्लेयर किया था सॉल्ट पे, और इसके अगेंस्ट गांधी जी ने दांडी मार्च की थी। आज के मेरे व्लॉग में आई एम गोइंग टू विजिट 4 प्लेसेस। फर्स्ट नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल, सेकंड दांडी बीच, थर्ड स्वामीनारायण टेम्पल एंड फोर्थ वन ऑफ द फेमस फूड जॉइंट्स ओवर हियर। तो मैं आ गई थी नवसारी रेलवे स्टेशन। नवसारी रेलवे स्टेशन से दांडी बीच 17 किलोमीटर्स की दूरी पे है, इसलिए मैंने कार हायर कर लिया था। कार हायर करके सबसे पहले मैं पहुंच गई नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल पे। यहाँ से आपको टिकट लेना होता है और टिकट का है 20 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 10 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। और पार्किंग के लिए फॉर 2 व्हीलर्स इट इज़ 10 रुपीज़ एंड 4 व्हीलर इट इज़ 20 रुपीज़, और बस से आ रहे हो तो 100 रुपीज़ है। और यहाँ से है नेशनल मेमोरियल, जब मैं अंदर जाऊँगी अभी। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और ये जगह का मैं आपको वर्चुअल टूर करवाती हूँ मेरे वीडियो से। खादी भंडार में यहाँ पे आपको मोस्टली कपड़े मिलेंगे खादी के, और बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी अवेलेबल है। यू कैन इवन बाई सोवेनियर्स फ्रॉम दिस प्लेस, और बुक्स भी अवेलेबल है। और यहाँ पे पीछे थिंग्स ऑफ सॉल्ट हॉलिस्टिक फूड करके कैफेटेरिया भी है छोटा सा, और हम देखते हैं अंदर जाके क्या क्या मिलता है। सैफी विला, ये वो जगह है जहाँ पे गांधी जी रुके थे। एंड इट सेज कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ से गांधी जी ने पिंच ऑफ सॉल्ट उठाया था, एंड इट इज़ मेंशन ओवर हियर। और अब हम आ गए हैं डांडी बीच। डांडी बीच का ब्यूटीफुल सनसेट देखकर अब हम जा रहे हैं द फेमस स्वामीनारायण टेम्पल। यहाँ के आर्किटेक्चर की बात करूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ के लाइट इफ़ेक्ट्स भी मुझे बहुत पसंद आई। दिस प्लेस हैज़ टू बी इन योर बकेट लिस्ट जब आप नवसारी जा रहे हो। पूरे दिन की थकान के बाद अब हम आ गए हैं डिनर करने के लिए। हम आए थे जशोदा काठियावाड़ी थार पे, जहाँ पे खाना घर जैसा मिलता है, वो भी अनलिमिटेड इन जस्ट 130 रुपीज़।